हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं बासुंदी, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में दूध डाल देंगे। ये देखिए, मैंने दूध को गर्म कर लिया था और इसमें जो ये मलई है ना, ये भी हमें इसमें डाल देनी है। अब हम इसे एक उबाल आने देंगे। जब तक दूध को एक उबाल आ रहा है, तब तक हम बासुंदी का मसाला तैयार कर लेंगे। पहले हम मिक्सर जार में बादाम, काजू, पिस्ता, जायफल पाउडर और इलायची पाउडर, ये सब डाल के हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, पीसने के बाद हमारा मसाला बिल्कुल इस तरह तैयार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ये देखिए, यहाँ हमारे दूध को भी उबाल आ गया है। अब हम इसे थोड़ा बीच बीच में हिलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा दूध उबल के बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम इसमें कप रख देंगे। आप चाहे तो इसमें कटोरी या फिर छोटा बर्तन रख सकते हैं। अब हम इसे कंटिन्यूअस हाई फ्लेम पर उबालते रहेंगे। ये देखिए, जो आजू बाजू को हमारी मलई लग रही है, ये आपको चम्मच से निकाल कर फिर से दूध में ही डालना है, ताकि हमारी बासुंदी की थिकनेस बढ़ेगी। हमारा दूध गाढ़ा हो गया है, अब हम कप निकाल देंगे। कप निकालने के बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे और इसे हम तब तक हिलाएंगे जब तक हमारी शक्कर मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए, शक्कर मेल्ट होने के बाद हम इसे फिर से उबालेंगे। ये देखिए, हमारी बासुंदी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें बनाया हुआ मसाला डाल देंगे और अब इसमें चिरौंजी और केसर डालेंगे। ये सब डाल के हम हमारी बासुंदी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। ये देखिए, अब हमारी बासुंदी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने बासुंदी बाउल में निकाल कर इसे सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। आप जरूर इसे ट्राई करके देखिएगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तब ये और अच्छी लगेगी। आप जरूर इसे इस दिन पर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।